नाचो नाटू को ऑस्कर का अवार्ड मिला, बहुत 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 मुबारक हो। मेरा फेवरेट सॉन्ग है ये, रामचरण और एनटीआर ने ये बहुत ही बढ़िया सॉन्ग किए हैं, बहुत ही अच्छा डांस किया है इन्होंने। और फील वेरी प्राउड के ऑस्कर इतना बड़ा अवार्ड है, माय गॉड, दुनिया का। तो वहाँ पे दीपिका का स्पीच, इट्स अब सो अमेजिंग। ऑस्कर के प्लेटफॉर्म में जाके अच्छे अच्छे डर जाते हैं, मैं भी डर जाऊँ, बट दीपिका वॉज सो स्टनिंग, शी वॉज लुकिंग एंड हर स्पीच वॉज सो सो नाइस। एंड मुझे लगता है कि वहाँ के जितने फिरंगी डांसर हैं उन्होंने नाटो नाटो जो डांस है वो अमेजिंग स्टेप्स किए। व्हाट अ एनर्जी, व्हाट अ एनर्जी। आपको भी ऑस्कर लेते हम लोग देख सकते रहेंगे इंशाल्लाह। इस दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। जब आरआर को ऑस्कर मिल सकता है तो खुदा ने चाहा तो राखी सावंत को क्यों नहीं ऑस्कर मिल सकता, वाई नॉट। इंडियन गाना ऑस्कर में पहुंचाना कोई भी बड़ी बात नहीं है, हमें भी एक दिन मिल जाएगा। अभी इंडिया में अच्छी फिल्में बनने लगी, अच्छे गाने बनने लगे, तो डेफिनेटली थोड़ा सा दिक्कत है कि आप आईफा तक पहुंच सकते हैं, ऑस्कर तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन खुदा के आगे तो कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। फिलहाल आपका जो नया सॉन्ग आया था वो काफ़ी लोगों को पसंद आया, काफ़ी लोग उससे कनेक्ट भी हुए, उस पर क्या कहना चाहोगे? मेरा सॉन्ग लोगों को जो झूठा है वो बहुत पसंद आया है। ऑर्गेनिक का ऑर्गेनिक बहुत ही अच्छे मेरे व्यूज़ आए हैं, लोगों को पसंद आया है और लोगों को पसंद आ रहा है, बस वो मेरी आबीती पे सॉन्ग है, दैट्स इट। अब मैं खुश रहना चाहती हूँ, नाचना गाना चाहती हूँ पहले की तरह, रोना धोना नहीं चाहती हूँ। कोशिश कर रही हूँ फिर से उठने की, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, जो चला गया वो चला गया, उसके पीछे रोके फ़ायदा नहीं है। अब मैं नई ज़िंदगी शुरू कर रही हूँ। अब आपको ऐसे ही राखी सावंत हंसती खेलती नाचती गाती मिलेगी, लेकिन एक महीना रमज़ान का संभाल के, बिकॉज रमज़ान में तो शायद ही मैं जिम आऊँगी, नहीं आऊँगी, क्योंकि वो पूरा दिन भूखे रहना पड़ता है ना, रोज़ा रहता है, तो रोज़े में सिर्फ नमाज 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 पढ़ना है, ताकि एक महीना इतना नमाज पढ़ना है मुझे। जो हमारे खालिद मामू हैं मुंबई में, वो मेरा एफिडेविट बना रहे जामा मस्जिद में जाके कि मैं उमरा जा सकूँ। तो खालिद मामू जो हमारे हैं उनको मैं बहुत शुक्रिया अदा कहना चाहूँगी, वाहिद भाई को शुक्रिया अदा कहना चाहूँगी। खालिद मामू, वाहिद भाई, आप मेरा एफिडेविट और बना रहे वीज़ा के लिए कि मैं उमरा जा सकूँ और मैं रोज़े अच्छी तरह से करूँ, ताकि हमारे सारे पाप भी, जो पिछले हमारे पाप किए हुए वो भी मिट जाए। और अगर उमरा में मैं जाती हूँ रमज़ान में तो मेरा तो नसीब ही खुल जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरा एफिडेविट बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, क्योंकि मैंने तो डेफिनेटली इस्लाम कबूल किया है और मैं रोज़े करूँगी, नमाज़ पढ़ती हूँ 5 टाइम की। मैं तो यही कहती हूँ, मेरा कनेक्शन ऊपर वाले से है, खुदा से है। अगर उन्हें लगता है कि मैं तहे दिल से नमाज़ पढ़ रही हूँ, सच्चाई से इस्लाम फॉलो कर रही हूँ, तो मेरा उमरा जाना डेफिनेटली होगा। सारा कनेक्शन ऊपर से ही होता है। खालिद मामू जो है जामा मस्जिद से, वो मेरा एफिडेविट बना रहे हैं कि मैं जा सकूँ। बनेगा या नहीं बनेगा मुझे नहीं मालूम है, उसमें क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता है, बट मैं रोज़े करना चाह रही हूँ। आपको नाटो का मिला डांस? एक बार फिर से लेते हैं, किसके साथ लूंगी? अकेले अकेले नहीं।